हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आज के दिन के एक ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, यस दोस्तों, ज़बरदस्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। देखिए, मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है, बट हम लोगों को ज़रूर ये स्टडी करना है। ये मैं हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ, एक अच्छा रिटेल इन्वेस्टर वही होता है जो बाकी रिटेल इन्वेस्टर को हरा सके या फिर उनसे एक कदम आगे निकल सके, कि वो हमेशा ये फाइंड करने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों बोला गया है, राइट। उसके बाद स्टडी करने के बाद अगर आप एग्री होते हैं तो ठीक है, नहीं एग्री होते तो भी ठीक है, राइट। बट स्टडी करना आना चाहिए। सो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 आप देख सकते हो अभी 15,000 के भी ऊपर हम लोगों को क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है, 15,000 प्लस 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। सेम चीज़ सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है, आज के दिन भी तेज़ी, कल के दिन भी हम लोग को तेज़ी ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिली थी। कल के दिन मतलब वो जो पैटर्न हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 के ऊपर सेंसेक्स भी यहाँ पे आ चुका है। एंड आपको याद है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम मतलब फेब्रुवरी मंथ की अगर मैं बात करूँ, राकेश झुंझुनवाला जी ने एक बड़ा प्रेडिक्शन, उनका खुद का स्टडी उन्होंने सामने रखा था कि बाय एंड ऑफ 2030 यहाँ पे जो हमारा निफ्टी है वो 1,00,000 को हिट कर सकता है। हालांकि हम लोग इससे रिलेटेड बात नहीं करने वाले, बट हम लोग बात करने वाले मॉर्गन स्टैनली ने जो आज के दिन यहाँ पे न्यूज़ बाजार के सामने रखी कि आने वाले नेक्स्ट 6 महीने के हिसाब से, अभी कौन सा चल रहा है, मई, और अगर हम लोग दिसंबर तक बात करें तो रफली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 6 महीना, 6.5 महीना यहाँ पे बाकी है। दिसंबर तक का जो टारगेट यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने दिया है, उन्होंने कहा कि यही जो सेंसेक्स है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था वो यहाँ पे जा सकता है एकदम टॉप लेवल की अगर हम लोग बात करें 61,000 तक। ये मेरा खुद का कहना नहीं है, बट मैं अगेन ये भी कहूँगा कि ये ऐसा उन्होंने क्यों बोला है वो भी तो चेक करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि एटलीस्ट स्टडी करो, उसके बाद मानना है नहीं मानना है आपकी मर्ज़ी, बट उन्होंने ऐसा बोला कि वो जानना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो 61,000 उन्होंने यहाँ पे बताया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 20-22% के आसपास। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ये टॉप नॉच उन्होंने बात की है 61,000, एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका जो पुराना प्रेडिक्शन था वो उन्होंने कंटिन्यू रखा है, वो था 55,000 का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय 10%। सो ओल्ड प्रेडिक्शन उन्होंने वैसे ही रखा है 55,000, बट उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम अगर जाता है तो 61 को भी टच यहाँ पे किया जा सकता है। ये भी बताया जा चुका है कि अगर वो क्रैश भी हुआ मार्केट, फॉर एग्जांपल हर एक के अपने अपने एनालिसिस होते हैं, अगर बियर गैंग्स की अगर हम लोग बात करें तो मैक्स टू मैक्स 20% तक, यहाँ पे उनकी स्टडी है, मैक्स टू मैक्स 20% तक वो नीचे आ सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40,000-41,000 के आसपास। ये कुछ रेंज उन्होंने यहाँ पे स्टडी करके बताई है। हालांकि इसके भी कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया है कि अगर ये चीज़ें होगी तो वो क्यों होगी, इसका भी रीज़न उन्होंने बताया, एंड अगर ऐसा होते वक्त क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, उनका प्रेडिक्शन फेल भी कर सकती है, उसका भी उन्होंने रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है। सो वही अभी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। सो दोस्तों, जो भी चीज़ें अभी मैंने फटाफट यहाँ पे बोली, यही चीज़ें इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहो तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। ये देखिए 61,000 22% की जंप, 20% मैक्स टू मैक्स अगर गिर गया तो वो 41 तक ही जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक कंपनी के नंबर के ऊपर, एंड इसी के रीज़न के वजह से मॉर्गन स्टैनली ने ये बात बताई है कि आने वाला जो ये 6 महीना रहने वाला, 6 से 6.5 महीना हम लोग कह सकते हैं, वो क्यों यहाँ पे ऐसा प्रेडिक्शन बता रहे कि वो मैक्सिमम 61 जा सकता है, फिर 55 जा सकता है। सो दोस्तों, उनका ये कहना है, बहुत ध्यान से सुन लेना, अभी मार्च क्वार्टर खत्म हो रहा है, आप लोगों को पता है, ये एक किसी रैंडमली कंपनी के मैंने नंबर्स ओपन किए हैं, राइट। रेवेन्यू हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्च 20 था, मार्च 20 कौन सा, कोविड वाला, आप सभी लोगों को पता है मार्च 20 में ऐसा हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिला था। जो एक्चुअल गेम थी, जो कंपनीज की बैंड बजी थी, वो नेक्स्ट क्वार्टर में बजी थी। आपको पता है जो लॉकडाउन लगा था वो मार्च के आखिरी हफ्ते में, एंड में हम लोगों को जो टाइम था वहाँ पे लगते हुए देखने को मिला था, एंड तभी मार्केट में लोअर सर्किट्स कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को देखने को मिले थे। सो वो मार्च के अंत में हुआ था, उसके पहले जनवरी फरवरी में कंपनियाँ रेगुलरली काम कर रही थी। मैंने बीच में आपको बताया भी था कि जब मार्केट में लोअर सर्किट लग रहा था तब मैं अपने ऑफिस में भी था, मतलब तब कोविड इतना ज़्यादा हम लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। बट उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद उसका जो इम्पैक्ट था कंपनीज के, और अप्रैल मई एंड जून, ये 3 जो महीने थे दोस्तों,
जो हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर या फिर क्वार्टर वन के हिसाब से बोले जाते हैं, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट था वो सबसे वर्स्ट था। एंड इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जून जून 2020 जो ये क्वार्टर हम लोग को देखने को मिला था, जिसको हम लोग क्वार्टर वन कहते हैं, राइट, वो सबसे वर्स्ट क्वार्टर था हिस्ट्री में। अगर आप लोग उठाकर देख लेना किसी भी कंपनी का, पिछले 5 से 6 10 साल का भी हिस्ट्री उठा के देख लेना, इतना वर्स्ट क्वार्टर किसी का नहीं गया था। ऑब्वियसली रीज़न बहुत सिंपल है, कंपनीज ही बंद रहेगी तो बिजनेस कहाँ से होगा। एंड इसीलिए आप देख सकते कंपनी के नंबर्स देखे कितने जोरदार नीचे गिरे थे। सो मॉर्गन स्टैनली का कहना यही है कि अभी ये क्वार्टर फोर खत्म हो गया, मार्च क्वार्टर खत्म हो गया अभी, एंड यहाँ पे क्वार्टर वन के नंबर सामने आने वाले, बट मार्केट यहाँ पे इन नंबर्स को डाइजेस्ट कर लेगा, ऐसे CLSA ने भी कहा है। यस दोस्तों, ये जो 2020 का जो नंबर्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, राइट, ये वर्स्ट नंबर थे। सो इस वक्त क्वार्टर वन के जो नंबर आएंगे, कौन से 21 के, ये 2020 था, 21 के जो आएंगे वो डेफिनेटली इससे तो बेहतर आएंगे ही आएंगे, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। एंड ऐसी ही बात नहीं है, ये जो नंबर्स आएंगे ये आपको देखने को मिल रहा है, इसके बाद का भी जो क्वार्टर रहेगा, ये जो सितंबर देखने को मिल रहा है, इससे भी बेहतर नंबर सितंबर 21 के आएंगे। देन दिसंबर 20 में जो नंबर्स दिखा है उसको कंपेयर करने जाओगे दिसंबर 21, उससे भी अच्छे नंबर दिसंबर 21 के आएंगे, क्योंकि कंपनीज के बिजनेसेस अभी अच्छा रन करना शुरू हो चुके हैं, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। इसके स्टडी के हिसाब से उन्होंने बताया कि मार्केट यहाँ पे 55 तो जा ही सकता है, बट 61 तक भी यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स रहेंगे 3 जून सितंबर दिसंबर, ये हम लोगों को इससे तो बेहतर ही देखने को मिलेंगे, 2020 से बेहतर देखने को मिलेंगे, ये प्रेडिक्शन उन्होंने यहाँ पे बताया है। एंड दोस्तों, ये एक कंपनी का नहीं बता रहा हूँ मैं, ये देखिए अगर आप ये रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट देखना चाहते हो, ये देखिए ये है प्रॉफिट एक कंपनी का, सिर्फ कंपनी कौन सी है वो फोकस नहीं होना चाहिए, आप देख सकते कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही थी, प्रॉफिट में थी, एंड जून क्वार्टर में हालत देखिए माइनस में चला गया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, आप लोगों को पता है यहाँ पे सिचुएशन ऐसी वर्स्ट थी, बट अगेन कंपनी ने कमबैक किया। सो मॉर्गन स्टैनली यही कहता कि ये जो इसके पहले 2020 में ये जो कमबैक्स हुए ना, अभी तो कंपनी पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है, अच्छा नंबरिंग भी दिखा रही है, मैक्सिमम कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर्स भी अच्छे आ चुके हैं। सो ये आने वाले जो क्वार्टर रहेंगे उसमें कंपनीज को इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, एंड खास करके जून क्वार्टर का तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली से यहाँ पे बताई जा रही है। एंड ये एक कंपनी नहीं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, ये देखिए मैं ये भी आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए और एक कंपनी थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी, ये देखिए जून क्वार्टर देख लेना, इसके पहले देखो कंपनी कैसा अच्छा बिजनेस कर रही थी, देन सडनली गिरावट 650, कहाँ 3000 4000 और कहाँ पे 650 करोड़ की बातें हो रही है। देन नेक्स्ट क्वार्टर देखिए, मतलब नेक्स्ट मतलब दिसंबर तक अगर हम लोग बात करें, अगेन कंपनी ने कमबैक किया। सो मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहा है कि 2020 में जो हुआ वो 21 में हम लोगों को उसका एक एडवांटेज मिलते हुए देखने को मिल सकता है, चाहे हम लोग रेवेन्यू की बात करें, ये देखिए प्रॉफिट की बात है, जून क्वार्टर देख लेना किधर माइनस देख लीजिए, कोई तालमेल ही नहीं है। सो इसका एडवांटेज अभी आने वाले क्वार्टर में भी कंपनीज को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये बातें मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे बोली है, अभी एग्री करना है नहीं एग्री करना है वो आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मॉर्गन स्टैनली ने और भी कुछ चीज़ें बताई है, जैसे कि वैल्यूएशन। यस, वैल्यूएशन मतलब ये जो चीज़ें फिलहाल चल रही है बाजार में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन है वो अभी भी उनको रीजनेबल नज़र आता है। रीजनेबल इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, अगर आप लोग कंपटीटर की बात करें, इमर्जिंग मार्केट की भी अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे साथ भी कंपटीशन होता है कि नहीं बाकी मार्केट्स का, ग्लोबल मार्केट्स का, सो वहाँ पे भी जो मार्केट टॉप पे लेवल पे देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट, अगर हम लोग उनको देखते हैं तो इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन मॉर्गन स्टैनली को बेहतर नज़र आता है, राइट। डायरेक्टली वैल्यूएशन के ऊपर मत जाना, क्योंकि मार्केट तो अच्छा खासा भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसका भी एडवांटेज यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स में मिल सकता है, इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने वो 61,000 की भी बातें की है। सो ये तो बातें होगी मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा क्यों बोला। अभी हम लोग आ जाते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने ये भी बताया कि इसमें डेंट कहाँ पे लग सकता है, राइट, उसके ऊपर भी आ जाते हैं। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली ने जो बातें यहाँ पे बताई है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए, इंडिया फेस टू अपोजिंग चैलेंजेस, अपोजिंग मतलब जो चीज़ें अभी उन्होंने बताई है कि 61 जा सकता है मैक्सिमम, इसको यहाँ पे बीच में बाधा कौन डाल सकता है, ये दो चैलेंजेस डाल सकते हैं बाधा। अगर हम लोग बात करें इमीडिएट शॉर्टेजेस ऑफ वैक्सीन, यस, अगर वैक्सीन यहाँ पे शॉर्टेजेस में हो जाते हैं, मतलब सप्लाई करने से रिलेटेड, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड मीडियम टर्म की प्रॉब्लम की बात करें तो अभी भी कन्विंसिंग पीपल टू बी वैक्सीनेटेड, आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग आज भी वैक्सीन लेने के लिए मतलब एग्री नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसलीड भी किया जा सकता है। हालांकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरा कोई मेडिकल का बैकग्राउंड तो नहीं है, राइट, बट यहाँ पे अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही है, वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे अफवाहें भी फैलाई जाती है, तो कन्विंस करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। सो ये दो ऐसी चीज़ें हैं वैक्सीन से रिलेटेड, राइट, जो कि इनके प्रेडिक्शन को डेंट लगा सकती है, जो कि मॉर्गन स्टैनली ने खुद यहाँ पे बताया है। वरना अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि
मार्केट में हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी भी क्यों देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली का ही कहना है कि जो सेकेंड वेव रहती है ना, वो हमेशा सबसे ज़्यादा डेंजरस रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है बाकी कंट्रीज़ की, अगर हम लोग बात करें इंक्लूडिंग इंडिया, तो बहुत ही टॉप लेवल का रहता है। उसके बाद जो थर्ड फोर्थ वेव आती है ना, उसके लिए ऑलरेडी कंट्री प्रिपेयर रहती है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। एंड इसीलिए नेक्स्ट अगर वेव आती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ व्हाटएवर, तो यहाँ पे वो सेकेंड वेव जितनी ताकतवर नहीं रहेगी। एंड अगर रहती भी है फिर भी इंडिया उसके लिए प्रिपेयर रहेगा। जो भी अभी रिक्वायरमेंट रहेगी आप लोग देख सकते हैं, जितना हो सके वो टॉप लेवल पे कामकाज यहाँ पे चल रहा है। तो इसलिए सेकेंड वेव के साथ डील करना ही एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात रहता है। एंड धीमे धीमे करके आप लोग देख सकते हैं सेकेंड वेव थोड़ा अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रिकवरी रेट ज़्यादा है एंड जो नए पेशेंट मिल रहे हैं वो कंपैरेटिवली कम है। तो इसलिए ये भी मॉर्गन स्टैनली ने इसमें जोड़ा था कि इसका भी फायदा मार्केट को जरूर यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली पड़ेगा। इसका फायदा मतलब क्या, लॉकडाउन के चांसेस कम हो जाएंगे थोड़ा बहुत, राइट। बट उन्होंने ये भी कहा है, जैसे उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकते हैं, वैक्सीन का शॉर्टेज एंड थोड़ा कन्वेंस करने के लिए। अगर वैक्सीनेशन डिले हो जाते, 130 करोड़ आबादी वाला देश है, उससे भी ज़्यादा रहेगा, राइट, तो वहाँ पे ये सिचुएशन प्रॉब्लम उनको यहाँ पे दे सकती है। उसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने और भी कुछ बातें यहाँ पे बताई है, जैसे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली ने मेंशन किया है कि इन्वेस्टर शुड प्रिफर मिड कैप्स ओवर द लार्ज कैप। अगर आप लोग लार्ज कैप के लिए जा रहे हो तो उससे अच्छा मिड कैप पे जाओ, ऐसा उनका मानना है। एंड अगर आप लोग स्मॉल कैप के लिए जाते हो तो स्मॉल कैप के लिए जाने से बेहतर है आप लोग लार्ज कैप के लिए जाओ, राइट। तो ये बातें मॉर्गन स्टैनली ने आप मतलब जो इन्वेस्टर है उनके लिए यहाँ पे दी है। अभी जैसे मैंने कहा कि मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है, राइट। मॉर्गन स्टैनली ने और भी कुछ बातें कही है, जैसे कि सेक्टर वाइज वो कहाँ पे मतलब बुलिश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सेक्टर्स उन्होंने यहाँ पे बताए, इंडस्ट्रियल्स बताए हैं, राइट। उसी के साथ साथ कंज्यूमर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शनरी की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल यूटिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे वो बुलिश है, पहले भी थे, अभी भी उन्होंने अपना जो टारगेट है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा हुआ है ऑन मटेरियल्स, उसी के साथ साथ एंड कंज्यूमर, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इनको उन्होंने अंडरवेट किया है। अंडरवेट किया मतलब शायद से अभी उनको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन सर्विसेज, एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितना वो ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं। ऑब्वियसली वो पूरी टाइम थोड़ी ना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अच्छा खासा कमा चुके हैं। सो ये सारी बातें किसने बोली है? मैंने नहीं बोली है, मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मॉर्गन स्टैनली ने इन्वेस्टर को यहाँ पे बताई है। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर। सो ये स्टडी भी मैंने आपको बता दी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, जून क्वार्टर आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाली तेज़ी का फायदा कैसे कंपनीज को मिल सकता है, इसके कारण उन्होंने ये सारी बातें प्रेडिक्ट करके बताई हुई है। सो जाते जाते बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, सर आपको क्या लगता है ये जो सेंसेक्स यहाँ पे बताया जा रहा है क्या जाएगा 61,000? सो दोस्तों मैंने इससे पहले भी कहा है, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड मुझे 6 महीने में 7 महीने में मैं कोई प्रेडिक्शन ये करते नहीं रहता हूँ। 61,000 छोड़िए दोस्तों, ये तो 71 भी जाने वाला है, 81 भी जाने वाला है, राइट। टाइम फ्रेम मत पूछिए कि कब जाने वाले, ये आप लोगों को भी पता है, इसीलिए तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बैठ जाता हूँ। ये आप लोगों को भी पता है कि मार्केट आज जिधर पे है वो आने वाले 5 से 10 साल पे वहीं पे नहीं रहेगा, दैट्स इट। तो हमारा सॉल्यूशन एक ही है जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारा पैसा हमारे पोर्टफोलियो वाले अच्छे शेयर्स और अच्छे नंबर्स दिखाने वाले शेयर, दैट्स इट, उसमें इन्वेस्ट करिए, बैठे रहिए। मार्केट अगर गिर जाता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा और खरीदते, SIP करते रहिए और लंबी अवधि के लिए छोड़ दीजिए। मार्केट का टेंशन मत लेना, मार्केट हमेशा अप्स डाउन्स वो चलते रहते हैं। हम कोई फ्यूचर्स में खेलते नहीं है, राइट, जो कि आने वाले 6 महीने में यहाँ पे क्या चलेगा उसका चिंता हम लोगों को यहाँ पे नहीं करना है। आप इन्वेस्टर हो, रिमेन इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दीजिए, राइट। इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, क्योंकि बाजार कोई रुकता नहीं है। 61 क्या, जैसे मैंने कहा ना, 71-80 लाख रुपए तक भी वो चला जाएगा, राइट। बट ग्रीडी मत हो जाना कि जल्दी होना चाहिए, ये जल्दबाजी में आप लोगों को नुकसान हो सकता है। सो इन्वेस्टेड रहिए, अच्छे नंबर्स जिन जिन कंपनीज के आए हैं उनके स्टॉक्स में अगर आप कंटिन्यू करोगे तो कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो जरूर लाइक करना, शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।